झूठी निकली 4 लाख की लूट की सूचना। मामा के रुपए पर भांजे की बिगड़ी नीयत, पुलिस ने किया खुलासा। जिला अलीगढ़ के थाना क्वारथी क्षेत्र के साकेत विहार कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने 4 लाख रुपए की झूठी खबर पूरे शहर में फैला दी। दिन भर पुलिस इस दिन दहाड़े हुई लूट के लिए दौड़ लगाती रही। वहीं यह लूट की घटना सीसीटीवी देखने के बाद पुलिस को संदिग्ध लगने लगी। पुलिस के आला अधिकारी देर रात घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं जब युवक से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो युवक ने सारा राज उगल दिया। दलाल ने गुड़गांव में नौकरी लगवाने के लिए 4 लाख रुपए की मांग की थी, जिसके बाद मामा के रुपयों पर युवक की नीयत बिगड़ गई। पुलिस ने युवक के घर से 4 लाख रुपए बरामद कर लिए। मुनेन प्रताप सिंह निवासी साकेत कॉलोनी आईटीएम कॉलेज में पॉलिटेक्निक का छात्र है। माँ शिक्षिका हैं, पिता किसान हैं। दोपहर करीब 2 बजे मुनेंद्र ने पुलिस को फ़ोन कर सूचना दी। उससे बाइक सवार 3 लोगों ने 4 लाख रुपए लूट लिए, जो उसने रामघाट रोड स्थित बंधन बैंक से निकाले थे। लूट घर के सामने तमंचे के बल पर हुई है। एक युवक ने हेलमेट पहन रखा था, बाकी दोनों ने रुमाल से चेहरे को ढक रखे थे। दिन दहाड़े लूट की सूचना पर पुलिस में खलबली मच गई। सीओ तृतीय अनिल समानिया क्वारसी इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। गली में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। सीसीटीवी में कोई बदमाश न तो आते दिखाई दिया और ना ही बैग लेकर जाते नजर आया। वहीं मुनेंद्र के घर के पास उसके चाचा का घर है, जहां अनिल मान सिंह और विमल किराए पर रहते हैं। घटना के वक्त तीनों युवक घर से बाहर निकल रहे थे। उनसे पूछताछ में पता चला कि कोई लूट नहीं हुई है। इस पर पुलिस का शक गहरा गया। इसके बाद एसएसपी आकाश कुलहरी, एसपी सिटी अभिषेक मौके पर पहुंच गए। मुनेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसके मामा हेमंत निवासी बरेली कंप्यूटर का कारोबार करते हैं। मामा ने मुनेंद्र के नाम पर बंधन बैंक में व्यवसायिक खाता खुलवा रखा है। अक्सर कारोबार से जुड़ी रकम उसके खाते में आती है। मुनेंद्र रुपए निकाल कर घर रख लेता है। 15 दिनों के अंतराल में मामा आकर रकम को ले जाते हैं। मुनेंद्र ने बताया कि गुड़गांव में नौकरी लगवाने के एवज में एक दलाल उससे 4 लाख रुपए मांग रहा था, इसलिए मामा के रुपयों पर लालच आ गया, बैंक से रुपए निकाले और लूट की झूठी कहानी लिख दी। आज दोपहर में ये थाना क्वारसी क्षेत्र साकेत नगर, यहाँ पर एक सूचना दी गई थी मनेंद्र नाम के एक युवक द्वारा जो साथ में, कि 4 लाख की जो है एक उनके साथ लूट हो गई है। और उसके बाद तत्काल पुलिस ने जो है कार्रवाई की और हमने जो सारे सीसीटीवी कैमरेज वगैरह चेक करवाए इमीडिएटली। सीसीटीवी कैमरे के बेसिस पे जो है घटना हमें डाउटफुल लग रही थी, वो सीसीटीवी फुटेज इन्हें दिखाया गया, इनके परिजनों को दिखाया गया, इनसे पूछताछ की गई। तो वो पैसा इनके मामा हैं, वो बिज़नेस करते हैं और नौकरी इत्यादि लगाने की मतलब जो है उसकी वजह से जो शायद इन्हें लालच आ गया था, तो वो रुपए इन्हीं के पास थे, वो रुपए बरामद हो गए। लूट की कोई घटना नहीं हुई है, इनके मामा जी को इन्फॉर्म कर दिया गया है और जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है। सर किस तरीके से मतलब प्लान किया था इन लोगों ने, सूचना क्या दी थी सर? ये अकेले थे, इन्होंने जो है लूट होने की सूचना दी थी, लेकिन लूट की कोई घटना हुई नहीं थी, जो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद जो है स्पष्ट हो गई थी। अब क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। झूठी सूचना दी थी इन्होंने? सूचना झूठी थी। खबर जगत 24 न्यूज अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट।